नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षी किचन में। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ पनीर की सब्जी की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बिना प्याज और लहसुन के। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 200 ग्राम पनीर, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और थोड़े से ले लिए हैं मैंने यहाँ पर ये काजू। काजू में ऐड कर रही हूँ मैं गर्म पानी, इसे सोक करने के लिए, ताकि काजू जल्दी से सॉफ्ट हो जाए हमारे। अब इसे हम आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। अगर साफ सोक ना कर पाए तो करीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको आप बॉईल कर लें, तो भी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बोल में ले लिया है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। थोड़ा सा ऐड करेंगे गरम मसाला, 1/2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो दूसरा ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर जो हमने कट करके रखा है। और इन सबको अच्छे से एक बार ही हम मिक्स कर लेंगे। चाहे तो उसे आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए पनीर को मैंने मसाले के साथ मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब इन काजू और पनीर को हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद मैं इस पनीर को शैलो फ्राई कर लूँगी। पनीर को रखे हुए 1/2 घंटा हो गया है और इन काजू को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पैन में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल। इन पनीर के पीसेस को हम शैलो फ्राई कर लेंगे, आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं इनको। मीडियम हीट पे इनको आप शैलो फ्राई कर लें और जब आपको लगे एक तरफ से पक गए हैं तो इसको पलट लें और हर तरफ से इसको बराबर फ्राई कर लें। तो ये देखिए पनीर हमारा फ्राई हो गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ एक प्लेट में। इस ऑयल को हमें फेंकना नहीं है, इस ऑयल को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए पनीर हमारा फ्राई हो गया, इसे हम साइड में रख देंगे। और ये काजू भी हमारे आप सोक हो गए हैं, तो इन काजू को मैं डाल रही हूँ ग्राइंडर के जार में। पानी नहीं डालना है, सिर्फ काजू मिर्च में डाल रही हूँ। इस सब्जी को हम बिना प्याज और लहसुन के बना रहे हैं, तो इसको रिच करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है काजू। इसकी जगह पर आप चाहें तो मगज भी ऐड कर सकते हैं, यानी खरबूजे या फिर तरबूजे के बीज। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप दही। दही जो इसमें आप डालें ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे, इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर गैस पे रख दी है मैंने एक कढ़ाई, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 छोटी इलायची, 1 तेज पत्ता ऐड, 1 टुकड़ा ऐड करेंगे इसमें हम दालचीनी का। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले, 1/2 चम्मच ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर। मसाले डालते समय आप गैस को स्लो पे रखें या फिर कुछ देर के लिए बंद कर दें, नहीं तो ये मसाले हमारे जल सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही और काजू का पेस्ट। मैंने गैस को फिर से ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, मिक्स कर लेंगे इसको। आप चाहें तो इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक भी ऐड कर सकते हैं, जिस समय हमने इसमें खड़े मसाले ऐड किए थे उसके साथ ही इसमें आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं। जब इसमें को बाल आ जाए तब इसमें ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ी सी ऐड कर दूंगी मैं इसमें कसूरी मेथी और इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उबाल आने के बाद ही इसमें हम नमक ऐड करें, पहले ही ना ऐड करें, नहीं तो दही जो हमने इसमें ऐड किया है वो फट सकता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर जो हमने फ्राई करके रखा है। मिक्स कर लेंगे इनको अच्छे से एक बारी।
अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया एक बड़ा चम्मच मलाई का। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मलाई या फिर क्रीम जो भी आप इसमें ऐड कर रहे हैं उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन लगाकर पकाएंगे करीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाए और इस साइडों में ऑयल भी रिलीज़ कर दे। तो मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ और इसे मैं मीडियम हीट पे पकाऊंगी करीबन 5 से 7 मिनट के लिए। सब्जी को मैं करीबन 5-7 मिनट बाद चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए सब्जी ने ऑयल रिलीज कर दिया है, सब्जी हमारी तैयार हो गई है। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे फिर से। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच ऐड करूंगी मैं इसमें थोड़ी सी चीनी, आधा चम्मच से कम ही मैंने इसमें चीनी ऐड की है इसको बैलेंस करने के लिए। मिक्स कर लेंगे इसको एक बार ही। तो ये देखिए सब्जी बनके हमारी तैयार हो गई है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और सब्जी को मैं सर्व करूंगी। इस पनीर की सब्जी को आप सर्व कीजिए चपाती, परांठे या फिर चावल के साथ, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। लास्ट में स्प्रिंकल करूंगी मैं इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया। तो तैयार है हमारी पनीर की सब्जी जिसे हमने बनाया है बिना प्याज और लहसुन के। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस का मैसेज आपके पास आ सके।